फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। और इसमें क्या हो रहा है, पहले हम वही चीज समझते हैं। देखो, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म की बात अगर हम बात करते हैं तो सिंपल सा दिमाग में आता है एक ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर फ्री रेडिकल बन रहा है। तो पहले तो आप ये समझिए कि फ्री रेडिकल होता क्या है। लिखिए फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल। हम बहुत सारे फ्री रेडिकल के बारे में बात कर रहे हैं। एक होता है हमारे पास, सबसे पहला जो आ रहा है हमारे पास वो है फर्स्ट आर डॉट। क्या हो रहा है? आर डॉट फ्री रेडिकल। देखिए, आर डॉट का मतलब हमारे पास हो सकते हैं CH3 डॉट या C2H5 डॉट या कोई भी इस तरह का कार्बन पे हम आर डॉट की बात कर सकते हैं। CH3 डॉट की बात करेंगे तो हमारे को कुछ खास बातें हमें समझनी पड़ेगी कि यहाँ पर ये कार्बन की पास 3 सिग्मा बॉन्ड है और एक हमारे पास एम्प्टी ऑर्बिटल है जिसके अंदर एक एटॉमिक ऑर्बिटल है जिसके अंदर हमारे पास क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है। ये प्लेन के ऊपर और नीचे की तरफ रहेगा, ठीक है। तो कुल मिला के आपको काम की बात ये है कि यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन रहेगा। इस जगह दिख रहा है आपको, शेप जो रहेगी वो होगी ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर। तो हमारे लिए कुछ खास पॉइंट फर्स्ट सेकेंड, तो ये हमारे लिए है फ्री रेडिकल के बारे में। और थर्ड पॉइंट जो हम बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। क्यों भाई ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसके पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 7। अभी भी इसको कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? एक। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं यहाँ पर? वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन कार्बन वो है 7। तो नीड रहेगी एक इलेक्ट्रॉन की जिससे उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपके दिमाग में रहनी चाहिए कि ट्राइगोनल प्लेनर है और इस तरह से sp2 हाइब्रिडाइजेशन है और फ्री रेडिकल हमारे को यहाँ पर देखने को मिल रहा है, सही है। तो ये तो रहा फ्री रेडिकल कार्बन के केस में। इसके अलावा हेलोजन भी फ्री रेडिकल रहती है, जैसे सीएल डॉट। तो ये सीएल डॉट तो अपने आप में एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, आप कुछ नहीं बोलेंगे, सिर्फ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, डेफिशिएंट। अब हमारे लिए दो पॉइंट और इंपॉर्टेंट है कि अगर फ्री रेडिकल बन रहा है, Cl2 ट्वाइस Cl बना रहा है, तो ये कौन सा प्रोसेस होगा, एक्सो या एंडो? एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक, क्योंकि इसे बॉन्ड डिसोशिएट हो रहा है। और अगर इसके अपोजिट हम बात करें, 2Cl डॉट Cl2 बना रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, एक्सोथर्मिक। क्या हो जाएगा? एक्सोथर्मिक। यानी ये तो रहा एंडोथर्मिक, आपके Cl2 सिर्फ यहां पहुंची है, और ये रहेगा आपके लिए एनर्जी डायग्राम बना रहा हूं मैं। यहां एनर्जी है आपके पास और यहां पर सिर्फ एक्सोथर्मिक है, यानी ये Cl डॉट है और ये कितना बन जाएगा, ट्वाइस Cl, सॉरी Cl2। एनर्जी डायग्राम है आपका। तो ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो आपको समझ में आनी चाहिए। Cl2 तभी फ्री रेडिकल बनाएगा जब डिसोसिएशन में दोनों वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है दोनों को एक एक मिले हैं। यानी कि कौन सा डिसोसिएशन हुआ है, होमो या हिट्रो? होमो। तो यहां पर Cl ने, दोनों ने अपना एक एक इलेक्ट्रॉन बांटा है, तो इसको बोलेंगे होमो लिटिक क्लीविजेशंस या डिसोसिएशंस। डिसोसिएशन या क्लीविजेशन, ये तो हो गया हमारे क्या कहते हैं फ्री रेडिकल के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन।
अब आगे देखिए, हम किन रिएक्शंस को फ्री रेडिकल रिएक्शन बोलेंगे जिसमें भी हमारा फ्री रेडिकल बीच में इंटरमीडिएट दिखाई दिया जाए। जनरली जो हमारा सब्सटेंस होता है या सब्सट्रैक्ट होता है, एक होता है सब्सट्रैक्ट, एक होता है रिएजेंट, मिलके इंटरमीडिएट बनाते हैं। और वो इंटरमीडिएट फाइनली किस में चेंज हो जाता है? प्रोडक्ट में। ये एक बेसिक मैकेनिज्म है फ्री रेडिकल के, और ये जो इंटरमीडिएट होता है ये फ्री रेडिकल होता है। फ्री रेडिकल, इसी कारण हम इसको क्या बोलते हैं? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। तो यहां पर एक और हेडिंग डालेगा, बेसिक इंट्रोडक्शंस। तो अगला पॉइंट क्या रहेगा भाई? हाँ ठीक है, सब्सटेंस से रिएजेंट से मिला, इंटरमीडिएट फ्री रेडिकल बन गया, वो भले आर डॉट बन रहा हो या सीएल डॉट बन रहा हो, कुछ भी हो। तो यहां पर दो तीन बातें हो सकती है। फर्स्ट, प्रोसेस के अंदर क्या क्या हो सकता है? फर्स्ट, यहां पर सबसे पहला पॉइंट आ रहा है आपके पास कि डाइमराइजेशन देखने को मिलता है। डाइमराइजेशन, डाइमराइजेशन का मतलब क्या होता है? एक आर डॉट है, एक और आर डॉट है, तुझे भी एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, मुझे भी एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, हम दोनों बॉन्डिंग बना लेते हैं और क्या बना लेते हैं? आर टू। ये सबसे ज्यादा कॉमन देखने को मिलता है कि दो फ्री रेडिकल इजीली बन एक दूसरे के साथ एसोशिएट हो जाते हैं और आर आर यानी कि बड़ा एल्केन बना लेते हैं। सही है। दूसरा पॉइंट, और ये एक अपने आप में एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, यहां पर ओनली एक्सोथर्मिक। दूसरा पॉइंट हमारे पास निकल के आ रहा है फ्री रेडिकल के लिए, वो है डिसप्रोपोर्शनल रिएक्शन भी देख सकते हैं हम। डिसप्रोपोर्शनल डिसप्रोपोर्शनल रिएक्शन, ये डिसप्रोपोर्शनल रिएक्शन है क्या? देखते हैं इसको, एग्जाम्पल देख लीजिए। ये डिसप्रोपोर्शनल होगा क्या? एटलीस्ट दो कार्बन हो हमारे पास और यहां पर भी C2H5 10। डिसप्रोपोर्शनल का मतलब तो आप जानते ही हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों एक साथ हो रहे हैं। सही है। तो एक का ऑक्सीडेशन होगा और एक का रिडक्शन होगा। तो इसने क्या करा, पहले ही मेरे को इलेक्ट्रॉन चाहिए था, चल मैं हाइड्रोजन एच डॉट तुम्हें दे देता हूं, इसने एच डॉट दिया तो ये क्या बन जाएगा? C2H4, एच डॉट और निकल गया, और ये क्या बन जाएगा? C2H6। यानी ये एक एल्कीन बनेगा और एक एल्केन बनेगा। यहां जो एल्केन बनेगी वो सेम कार्बन वाली बनेगी, या एल्कीन बनेगी सेम कार्बन वाली। तो यहां पर आपको डिसप्रोपोर्शनल रिएक्शन भी देखने को मिल सकती है। तो इस तरह की मैकेनिज्म, इस तरह के प्रोडक्ट आप फ्री रेडिकल में देखने को मिलेंगे। अब हम आगे जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो ये है कि ठीक है, हमने फ्री रेडिकल पढ़ लिया, लेकिन हमें ये भी तो देखना है कि किन रिएक्शन में फ्री रेडिकल बन रहा होता है। तो उसकी एक लिस्ट हम शो करते हैं जिसमें फ्री रेडिकल मैकेनिज्म इन्वॉल्व है या हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं, और वो सारे पॉइंट्स हम यहाँ बात करेंगे। देखिए, वुड्स रिएक्शंस आपको बहुत जगह देखने को मिलेगी जहां फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट है। ये कुछ नेम रिएक्शन है या स्पेशल रिएक्शन है जहां पर फ्री रेडिकल मिलेगा ही मिलेगा आपको। पहला मैं एग्जांपल लूंगा वुड्स रिएक्शंस, इसको भी फर्दर क्लासिफिकेशन किया है हमने, इंटर वुड्स रिएक्शन इंट्रा मिक्स्ड। ठीक है, और क्या होगा ये तो हम डेप्थ में आगे करेंगे ही करेंगे। इनमें क्या है? फिटिक रिएक्शन, वुड्स फिटिक रिएक्शंस, उल्मान रिएक्शन, कॉल्बे इलेक्ट्रोलिसिस, पिनेकॉल फॉर्मेशंस, हुंसडिकर रिएक्शंस, हेलोजिनेशंस ऑफ एल्केन, और NBS एन ब्रोमो सक्सिनामाइड रिएक्शंस। ये सब वो रिएक्शन है जहां आपको फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट होगा और प्रोडक्ट के ऊपर आपको प्रेडिक्ट करना होगा। ठीक है,
हम इसको इस तरह से करने की कोशिश करेंगे कि इंटरमीडिएट और जो मल्टीपल यानी कि ये सारी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन तो होगी क्योंकि फ्री रेडिकल बन रहा है तो एक से ज्यादा स्टेप में होगी, तो वो बीच वाली इंटरमीडिएट और बीच वाली स्टेप्स कौन सी होगी उस पर हम डिस्कस करेंगे, जिससे हम और ज्यादा सटीक जानकारी दे सकते हैं कि हाँ ये प्रोडक्ट यहाँ पर मेजर होगा और ये माइनर होगा और ये नहीं बनेगा, ये सारी चीजें हमें बताना है। ठीक है, तो एक एक करके हम स्टार्ट करते हैं। तो हेडिंग हमारा क्या रहेगा? वुड्स रिएक्शंस। तो अगला मेन हेडिंग आप डाल दीजिएगा वुड्स रिएक्शन।